माने तू चाहता है कि तू पूरे जितने भी फिल्म करे लाइफ में चड्डी में करे, लड़कियां तुझे चुम्मी दे दे। जब मैं टीवी कर रहा था तो ऐसा मौका मिला, ऐसा मौका मिला, ऐसा मौका मिला। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे दोस्त, मेरे बॉडी तो माशाल्लाह लड़कियां गिर जाती है, ये देखो ये बॉडी, तुम माने शो ऑफ क्यों कर रहे हो? गुरमीत चौधरी ऑफ लाली की लड्डू में शादी दीवाना। नहीं, लाली की शादी में लड्डू दीवाना। शादी में लड्डू लाली दीवाना? नहीं, लाली की शादी में लड्डू दीवाना। लाली की शादी में लड्डू दीवाना, चार बार बोल के दिखाओ। लाली की शादी में लड्डू दीवाना, लाली की शादी में लड्डू दीवाना, लाली की शादी में लड्डू दीवाना। ऐसा आदमी मैंने देखा ही नहीं है लाइफ में भाई। पर ये बताओ, तुम चार बटन खोल के जो आए हो यहाँ पे, ये माने ऐसा तुम करते हो ताकि लड़के तुम पे चढ़ जाएं? आई मीन चढ़ जाए माने प्यार करे तुमको? हाँ नहीं, प्यार मोहब्बत खामोशी और वजह तुमों में हो चुकी है। लाली की शादी जो है ना, बड़ी फैमिली वाली फिल्म है, जहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि लाली की शादी में मैं 8 packs के साथ उससे अच्छा कभी फिट नहीं रहा। लेकिन ये पहली फिल्म है जहाँ पे मेरे कपड़े नहीं उतरे, मैंने एक बार भी बाइसेप, एक बार भी मैंने अपने एब्स नहीं दिखाए। तू रो क्यों रहा है भाई ऐसे? माने तू चाहता है कि तू पूरे जितने भी फिल्म करे लाइफ में चड्डी में करे, लड़कियां तुझे चुम्मी दे दे बिना चड्डी के करे, यही तू चाहता है? तो मैं करवा देता हूँ ये फिल्म यार। ये नहीं चाहता हूँ। जब मैं टीवी कर रहा था तो ऐसा मौका मिला नहीं, और ना ही मैं करता था, तो एक इमेज बन गया कि गुरमीत ये फिल्में करता है, ऐसे लोग फॉलो करते थे। राम है, हाँ। भगवान है, पवित्र है, और नालायक तो मैं जानता हूँ कम बख्त। हाँ। नहीं नहीं, मैं वैसे ही हूँ, पर फिल्मों में मुझे फिल्म ही ऐसी मिली, खामोशियाँ, वजह तुम हो, बट ये एक फिल्म है जो एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ यार कि जहाँ पे सारी फैमिली एक साथ जाके फिल्म देख सकती है, और बड़ी अच्छी फिल्म है, मजेदार फिल्म है। पर ये बताओ, फैमिलियाँ तुम्हें बिना शर्ट के चड्डी में क्यों नहीं देख सकती? आई मीन ये कोई रूल है कि फैमिली चड्डी में नहीं देख सकती? यार स्विमिंग पूल में लोग चड्डी पहनते हैं, तुम बड़े पर्दों पे चड्डी क्यों नहीं पहन सकते? और तुम में है वो बात यार, चड्डी पहनने वाली, वो चड्डी वाली बात है तुम। मैं मोगली बन सकता हूँ फिर? अरे मोगली क्या, तो टार्जन बन सकता है भाई, टार्जन। डन डन डन, अभी अभी नेक्स्ट फिल्म ही ऐसे करना पड़ेगा जहां पे चड्डी पहन के टार्जन। पर ये बताओ, मैं सुना है मैंने ये बात कि तुम्हें वाकई में बुरा लगा कि तुम्हें चुम्मा चाटी नहीं मिला इस फिल्म में? तुम माने टीपी अग्रवाल के चरणों पे गिर गया, सर एक तो किस करवा दो। तो टीपी सर ने कहा मुझे चुम लो, तुमने कहा सर आपको नहीं, मुझे एक्ट्रेस चाहिए। तो बताओ उसकी वो कहानी, बताओ वो किसकी कहानी यार? हाँ बिल्कुल वाहियात और झूठी कहानी है, ये आप बना रहे हो और कोई नहीं बना रहा। मैं कैसे बोल सकता हूँ टीपी जी को, जो हमारी प्रोड्यूसर के पहुंच चुके, नहीं मुझे ऐसी ऐसी फिल्में दो, ऐसे गाने दो। नहीं एक्चुअली फिल्म मैं बिल्कुल भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, ये फिल्म ही सब कुछ है, ये फिल्म में सारे इमोशन है। पर यार जब म्यूजिक लॉन्च पर मैंने तुमसे बोला लड्डू खा ले, लड्डू खा ले, तो सारा प्रोटीन बार लेके घूम रहा है, लड्डू वाली फिल्में कर रहा है, पर लड्डू के अगेंस्ट है, ये क्या है यार? माने व्हाट इज दिस यार? यार देखो यार, बड़े अभी अभी हम लोग बात करते हैं ना कि मेरे एब्स यार बड़े अच्छे, बाइसेप अच्छे, तो लड्डू खा के तो कभी नहीं हो सकते। शादी के लड्डू खा चुका हूँ, इसलिए अभी प्रोटीन के लड्डू खा रहा हूँ। माने जब भी तुम घूमते हो तो माने प्रोटीन के लड्डू। दारू वारू पीते हो कि नहीं? नहीं यार, मैं स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता। क्या बोल रहे हो यार, बिल्कुल नहीं। कभी भी टाइट नहीं हुए हो? टाइट हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, एक्टर हूँ तो सब कुछ किया हुआ है, लेकिन करता नहीं हूँ, मतलब ऐसी आदत नहीं है। क्या बात है यार, शादी के लड्डू से पता चला कि कमबख्त शादी हुई 2006 में, और अपने इन-लॉज और माता पिता को बोला 2011 में, बदतमीज नालायक, जान मुझ के तू फील्डिंग कर रहा है सिंगल बन के ताकि सारी लड़कियां तेरे पास आ जाए, बिल्कुल मेरे साउंड इंजीनियर की तरह। वो भी ऐसे बोलता रहता है सिंगल है, पर इसकी बीवी 70 साल की है। 70 साल की बीवी? हाँ, और ये तो 20 साल का है। हाँ, ये ओल्डर वुमन सिंड्रोम है इसका। दादी भी मिल गई और बीवी मिल गई। अच्छा, ओ ये अच्छा है, दादी भी मिल गई और बीवी भी मिल गई। पैकेट डील है यार। अच्छा डील है, अच्छा है, बाद में इंटरव्यू के बाद बात करते हैं। अच्छा मुझे बता ना यार, क्यों छुपाया तुमने दुनिया से? तू चाहता था तू भी पुराने एक्टर्स की तरह दिखाए कि मैं सिंगल हूँ? भाई मैं अभी बता देता हूँ, छुपाने की जरूरत क्या थी। जब मैंने और देवीना ने 2006 में शादी की थी, हमको कोई लोग पहचानता ही नहीं था। रामायण हुए थे 2008 में, बहुत लोगों को लगता है कि मैं और देवीना ने 2008 में रामायण के सेट पे मिले, उसके बाद हमने शादी की या उसके बाद अफेयर स्टार्ट हुआ। लेकिन 2006 में, इनफैक्ट 2005 में हम लोग रिलेशन में थे, लिव इन में थे, और घर वालों को जब बोला कि शादी करनी है, तो घर वालों ने बोला, मेरे घर वालों ने बोला यार तेरे पास ना पैसे हैं, ना खुद का घर है, ना गाड़ी है, ना और कुछ भी नहीं था, जेन्युइनली ये बात। और देवीना के ऑफकोर्स एक लड़की के घर वाले तो चाहेंगे कि जिस लड़की, जो लड़की लड़के से शादी करे उसके पास खाना पीना कपड़े देने के पैसे सब कुछ तो होने चाहिए, वो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं था। और खुद के चड्डी भी अफोर्ड कर सके? चड्डी भी, वो भी चड्डी पहनने के भी पैसे नहीं थे। अच्छा अच्छा,
तब वो बिना चड्डी के घूमते थे, तभी ने उस चड्डी पे भरोसा किया और मुझसे शादी की 2006 में। और लकली देखो रामायण हमें मिला, मैं ऑडिशन के लिए गया, मुझे राम का किरदार करने का मौका मिला और देवीना को सीता का। तो ये कहते हैं ना शादियां जो होती है ना ऊपर वाले के बिना नहीं हो सकती। हाय रब्बा, बिल्कुल राम जी की तरह साउंड कर रहे हो भाई। पर बताओ जब तुम 2011 में गए अपने पेरेंट्स के बाद, बोला देखो मैं इतने सालों से शादी कर चुका हूं और मैं आज ओपनली 5 साल बता रहा हूं, तो उन्होंने चड्डी पर बेल्ट के साथ मारा, चड्डी पहना के बोला कोने में बैठ जाओ बेटा, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2011 तक मेरे पास खुद का घर था, 4-5 और गाड़ियां थी 4-5 और पैसे भी आ गए थे अच्छे खासे। तो तब कुछ नहीं बोलता, घर वालों की भी सोच जो है ना बदल जाती है। एंड वहाँ पे हमने दुनिया के सामने सबको बताया कि हम शादी करना चाहते हैं और शादी की, लेकिन हमने दोबारे फेरे नहीं लिए। 2006 में जो हमने भाग के शादी की थी, वो जो फेरे लिए थे, वो जो सिंदूर लगाना होता, हाय रबाई फीलिंग लाइक दबीना रहे, उसके बाद मंगलसूत्र लगाना, हाय मुझे बना रहे हो भाई, वो सब कुछ नहीं किया। 2011 में सिर्फ हमने कोर्ट मैरिज किया और घर वालों ने बोला, हमने तब तक उनको बताया नहीं था, घर वालों ने बोला शादी कर ले यार, अभी तो पहला लड़का है, शादी होगी, घोड़े पे आ, ये बोला नहीं पापा अभी नहीं करेंगे, पैसे बचाएंगे। हम एक्चुअली बताना नहीं चाहते थे, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। लास्ट ईयर हमने इनको सारी कहानी बताई और अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। माने लास्ट ईयर 10 साल बाद बताई? 10 साल के बाद। माने तुम दुनिया के सबसे बेस्ट लायर हो, 10 साल चीजें छुपा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बीवी से क्या छुपा के रखे हो बेटा बोलो? बीवी से? अभी माता पिता से छुपा सकते हो तो बीवी से तो छुपा ही सकते हो ना भाई। देबीना बहुत अच्छी दोस्त है यार मेरी, तो उससे सब जो बेस्ट फ्रेंड जो है उनसे कुछ ना कुछ छुपा सकता हूँ, लेकिन देबीना से मैं कभी कोई बात नहीं छुपाता। हाथ पैर कहाँ पर है भाई? हाथ नहीं, ये देखो देबीना का नाम मेरे हाथ में लिखा हुआ है। मैं यहाँ लिखाने वाला था, मुझे लगा मेकअप लगा के छुपा भी लूंगा, फिर देबीना बोला नहीं यहाँ पे लिखा। माने रिस्ट पे देबीना का नाम, ये देखो क्या बात है। और थाइस पे किसका नाम? थाइस में लीला का नहीं है नाम, किसी का नाम नहीं। बट आई लव दिस यार, माने वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है यार। पर मैंने सुना है वजह तुम हो के दौरान जब तुम लोग पप्पी शप्पी कर रहे थे, तुम सना के साथ, वो तुमसे खफा हो गई, बोली कम बैक क्यों पप्पी दे रहे हो, आई विल नॉट टॉक टू यू, और तुमने वॉचमैन के साथ 4 रात बिताई। वॉचमैन भाग गया यार, मिल नहीं रखा है वॉचमैन। वॉचमैन को भी छुआ गया? नहीं यार, मैं ये बहुत बातें आई थी इंडस्ट्री में, हर न्यूज़पेपर वो कैरी कर रहा था, क्यों कर रहा था ये पता नहीं। लेकिन मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि देबीना खुद एक्टर हैं और जब मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो मैं और देबीना दोनों साथ में बैठते हैं कि ये फिल्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ऑफकोर्स उनको सब मालूम था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, या फिल्म क्या है, कैसी है, यू नो सीन क्या है, गाने क्या हैं, उनको सब मालूम था। तो वो नाराज़ कैसे हो सकती हैं? तो उनको ये भी मालूम था तुम होठ से होठ लगा के पप्पी दे रहे हो? हाँ उनको पता था। पर मैंने सुना पप्पी 20 सेकंड का था, तुमने 50 सेकंड का कर लिया। कैसे 50 सेकंड कैसे हो सकता है? टेक रीटेक। नहीं मेरी कोई सेटिंग नहीं थी डायरेक्टर से कि मैं बोलूं रीटेक दे। हाँ मतलब एक शॉट में पप्पी ओके, ए वन टेक। आप जो भी वजह तुमका जो टाइटल ट्रैक है उसमें आप जो भी या खामोशी आप देखेंगे सब सारा वन टेक, मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ। अरे वाह यार, ऐसे तुम वन टेक करते हो। मैं यू कीप टेकिंग किसेस लाइक दिस ब्रदर, मैं खुश रहूंगा। अच्छा बस बताओ, तो माने वो सब अफवाहें थी, माने ऑल वाज वेल, ये सिर्फ मीडिया ने फ्लोट किया था? बिल्कुल बिल्कुल। सुना कि तुम अपने आप को पत्नी व्रता पति बोलते हो, साले फील्डिंग करते रहते हो, बीवी को खुश करने के लिए टाइटल्स फ्लोट कर देते हो। नहीं देखो मैं आपको बता दूं, बचपन से बड़ा शर्मीला था, जिस लड़के मुझे हर लड़की से प्यार होता था, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हुई मुझे कि मैं उनको बता पाऊँ कि मैं प्यार करता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों को, जैसे कोई लड़की पसंद आई, मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा कि यार उसका वो काम कर दे यार ये, तो बेचारा वो इतना काम करता था, लड़की को उससे प्यार हो जाता था, मुझसे कभी लड़कियाँ पटी नहीं। क्या बोल रहे हो? पहली लड़की जो जिसे देबीना को मैंने देखा और मुझे लगा मैं देबीना को नहीं जाने दूंगा, इससे पहले कि कोई और लड़का उसे पटा ले, तो मैं देबीना को किसी तरह यू नो इमोशनल कर चुका था। और जो फाइनली जब मैं प्रपोज कर रहा था, मैं आपको बता दूं, वो एक रात थी जिसमें मैंने 8 घंटे लगाए सिर्फ आई लव यू बोलने में, वो भी मैंने नहीं बोला। देबीना से मैं फ़ोन पर बात करता रहा, तो फाइनली देबीना ने बोला कि गुरमीत एंड वो बंगाली है तो बड़ी फनी है वो, तुम्हारा मेरा फोन ना बहुत गर्म हो गया है, तुम यही बोलना चाहते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, आई लव यू? तो मैंने कहा हाँ मैं यही तो बोलना चाहता था। मैंने 8 घंटे में एक बार भी नहीं बोला यार। नहीं भाई उसने बोला तो मैंने रिपीट किया। अभी बोल सकते हो आई लव यू? आई लव यू देबीना। अच्छा इमेजिन मैं देबीना और बोलो मुझसे आई लव यू। फील नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई, तुम एक्टर हो भाई। नहीं अचानक मुझे लग रहा है कि दाढ़ी वाला
इतना लंबा लड़का सांड जैसा सांड जैसा बट फीलिंग नहीं आ रही है यार, फेल हो चुके हो तुम एज एन एक्टर यार। ऐसे ने एक्टर सुना कि जब लोग रात को तुम्हारे कमरे के आजू बाजू दौड़ते थे, चलते थे, जोर जोर से म्यूजिक आती थी, एक आदमी पागलों की तरह गाना गाता था, चिल्लाता था, वो पागल कौन था यार? यार हाँ यार, मैं ये मानता हूँ वो मैं हूँ। एक्चुअली मुझे, मैं बहुत ही वाहियात गाता हूँ लेकिन मुझे गानों से बहुत प्यार है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर एक एक्टर की ज़िंदगी में अच्छे गाने हो वही सुपरस्टार बन सकता है। बिकॉज फिल्में, ऑफकोर्स फिल्में अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, फिल्में हिट होती हैं उसके बाद एक और फिल्म आ जाती है वो हिट होती है, लेकिन गाने एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा लोगों के यू नो लोग सुन सकते हैं, सालों साल सुन सकते हैं। और जब आप गाने सुनते हो तो आप, आपके सामने उस एक्टर का चेहरा नज़र आता है। तो खामोशिया मेरा गाना बहुत हिट रहा और वजह तुमों का टाइटल ट्रैक, और ये एक फिल्म रिश्ता जो मेरा गाना है जिसमें मैं और अक्षरा हैं, वो बहुत ही सुंदर गाना है, अंकित ने गाया है और को ने कंपोज किया है। तो जब मैं शूट करने जाता हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मैं लिपसिंग करूँ तो ऐसा लगना चाहिए कि वो मैंने खुद गाया है। तो मैं हमेशा उसका बहुत रियाज करता हूँ, गाना लगाता हूँ, 5-6 दिन बकायदा मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तुम्हारे पूरे होटल को तुमने उठा दिया, कोई सो नहीं पाया क्योंकि इतनी आवाजें निकल रही थी भाई। बहुत, अभी देखिए मैं गा के सुनाता हूँ। अच्छा, हो जाए। अंकित माफ करना भाई, मैं गा रहा हूँ। ये दूरियां मिटा हम दम, मजबूरियां मिटा हम दम, तेरी राहों में पनाहों में मुझे रहना सदा। ना 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 भाई, एक चीज बोलूं, अंकित तिवारी इज रिटायरिंग आफ्टर दिस शो। असल आदमी ये है, गुरमीत इज बॉर्न फॉर सिंगिंग। मेरा बस चले तो मैं अपनी दूसरी शादी में तुमसे गवाऊं, तीसरी शादी में तुम्ही से गवाऊंगा और चौथी शादी में तुम्ही से गवाऊंगा भाई, पांचवी में कभी बुलाओगे नहीं। बट यू नो व्हाट, आई टेल यू व्हाट ब्यूटी अबाउट यू इज, तुम्हारी सिंप्लिसिटी अभी भी है। मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, कोई रिपोर्टर कहता है सच अ स्वीट चैप, सच अ नाइस चैप वगैरह वगैरह तुम्हारे बारे है, तुम्हें हमेशा मैं स्माइल करते होता है। गुस्सा वुस्सा आता है कि नहीं यार, जब ये अखबार ऐसे ऐसे स्टोरीज फ्लोट कर देती है तब भी लगता है कि सारा ये अखबार को ना टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा, मैं उसको यूज़ करूँगा, ऐसा होता है क्या? यार एक्चुअली मैं बहुत उल्टा सोचता हूँ, जब मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा आता है ना तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तब मैं वो दिन सोचता हूँ कि जब मुझे रास्ते में कोई पहचानता नहीं था, उल्टा क्या सीधा भी नहीं बोलता था, तो आज जब लोग मेरे बुराइयाँ भी करते तो मुझे लगता है यार मरे हुए कुत्ते को ना कोई लात भी नहीं मारता है। आप हो, आप लोगों की नज़रों पे है तभी आपके बारे में बुराइयाँ हो रही है। जब कोई आपकी बुराई करने लगता है तब आप यकीन माने कि आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है मेरे भाई, जब तुम कह रहे मरे हुए कुत्ते को कोई नहीं पूछता, मुझे क्यों देख के बोल रहे थे? ऐसा क्यों यार, मैं जिंदा कुत्ता हूँ भाई। हाय एवरीवन, दिस गुरमीत चौधरी। आप सिद्धार्थ कन्नन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वहां पे। इस ग्रेट कंटेंट, बहुत मजा आएगा, बहुत मस्ती आप देखने को आपको मिलेगी।